हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि जैसे आपको एग्जाम में करना है 5 से 10 सेकंड में किस तरीके से आप एग्जाम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वो तरीका हम आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, ठीक है, 18% लॉस पे बेचा है। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि 3,840 रुपए में बेची जाती है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो सिंपली आपको क्या दे रखा है कि अगर वो पहले 18% लॉस पे बेचता था, ठीक है, फिर अगर वो 960 रुपए उससे अधिक बेचेगा तब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12%। तो सिंपली आपको एग्जाम में क्या करना है, देखिए जिनके बीच का डिफरेंस तो दे रखा है यहाँ से 960, यानी 960 है वो किसकी वैल्यू है? 18% का लॉस होता था और बाद में कितना प्रॉफिट हुआ? 12% का, यानी 18 और 12 कितना हो गया यहाँ से? 30 की वैल्यू, ठीक है। तो ये 30 की वैल्यू है, तो अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3 × 9 और 3 × 6, तो 3,200 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने बोला है कि अगर इसे 3,840 रुपये में बेचा, अगर इसे 3,840 रुपये में बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ? 640 रुपये का। तो 640 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे? 3,200 पर, क्लियर है। तो 640 का प्रॉफिट हो गया 3,200 पे × 100, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ से 3,200 64 हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये आपको एग्जाम में करना है। अगर कोई स्टूडेंट है जो बेसिक से पढ़ना चाहता है तो वो कैसे देखे? दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए आया कैसे वो भी बता देता हूँ कि अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मानेंगे, क्लियर है, इसने बोला 18% लॉस पे बेचता था, तो 18% लॉस पे बेचेगा तो यहां से कितने में बेचेगा वो? 18% लॉस पे बेचेगा, यानी 82% पे बेचेगा या 82 रुपए में बेचेगा। इसने बोला कि 12% का लाभ होता है जब वो 960 रुपए अधिक में बेचता है, तो 100 रुपए की वस्तु है तो 12% का लाभ हो गया, यानी कितने में बेचेगा वो? 112 रुपए में। अब यही तो बोला है कि पहले वो 19% लॉस पे बेचता था, अब वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है, और इनके बीच में कितना है? 960 रुपए अधिक किया तब बेचता है, तो इनके बीच की डिफरेंस की वैल्यू 960 दे रखी है, तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3,840, सॉरी कितनी दे रखी है? 960, 960 दे रखा है यहाँ से। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3,200 रुपए, सॉरी 320 रुपए आ जाएगी, यानी 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो 3,200, ठीक है। 100 यूनिट की वैल्यू आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, ये 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3,200 रुपए। इसने बोला है कि 3,840 रुपए में, तो सेम कंसेप्ट लगाना है कि सेलिंग प्राइस कितना है? 3,840 रुपए है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 20%। ये सेम तरीका करेगा, ये दूसरा तरीका होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किया था, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट नए हैं वो सबसे पहले परसेंटेज वीडियो देखिए, क्योंकि परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वही यूज यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पे भी फ्रैक्शन लगाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो सबसे पहले परसेंटेज वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि नमक की कीमत 15% की कमी की तो एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 kg अधिक नमक खरीदता है, तो नमक की घटी हुई कीमत क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको उस परसेंटेज में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए एग्जाम में करने का सीधा तरीका है कि 15% कमी किया है तो 272 का 15% निकाल लीजिए, 272 का जो 15% होगा, क्लियर। तो 15% का मतलब यानी फ्रैक्शन निकाल दी डायरेक्ट, 15% का मतलब कितना होता है? 3/20, ये होता है। तो इतने रुपए में वो कितने केजी अधिक खरीद पाता है? 2 केजी। तो ये प्राइस हो जाएगी, 2 केजी की प्राइस कितनी है? इतनी रुपए होगी, क्लियर है। तो 1 केजी की प्राइस कितनी हो जाएगी, जो घटी हुई प्राइस वो कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 272 × 3/20, तो पहले है और 2 से वो डिवाइड कर दी, तो इसको सिंपली सोल्व कर लो तो वही इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे हम 20 से, देखिए यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 24, 3 बच जाएगा तो 4 × 32, 68 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 या 24, 2 बनेगा,
और यहाँ से 36, 18 और 20, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ 10 से नीचे, तो 10.4, यानी 1 केजी का कितना रुपये हो गया, 10.20.4 रुपये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, और यदि सी के लिए इतना सी ने इतना भुगतान किया तो बताइए ए के जो भुगतान किया था उसने वो कितना किया था। तो जिसकी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिंपली एक लाइन में सोल्व करना है। कैसे? मान लीजिए कि ए ने, ए इसकी प्राइस है कि इतने रुपए को खरीदता है, फिर ए ने क्या किया, बी को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, 25% का मतलब 4 से 5 रुपए में बेच दिया। क्लियर? तो देखिए परसेंटेज ही है लेकिन प्रॉफिट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, इसलिए बाकी कंसेप्ट जो लगेगा वो परसेंटेज का लगेगा। तो 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 4 से कितने में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया, तो ये बी का प्राइस आ गया। फिर बी ने क्या किया, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, यानी 10 रुपए की चीज तो उसने 9 रुपए में बेचा, इतना होगा, तो ये सी का प्राइस हो गया। और सी ने कितना भुगतान किया, ये इतना भुगतान किया, 5625 रुपए। अब इसने पूछा है एक एन ने कितना भुगतान किया, तो ये एक की प्राइस निकालना है, तो एक को निकालना आपको सिंपली, तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से, 5 × 10 यानी कितना हो जाएगा, एक की प्राइस कितनी हो जाएगी, 5625 / 9 × 8, 9 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, 9 6 = 54, 2 बचेगा 9 × 18 और 9 5 = 45, 625 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, उससे 15% की हानि होती है, 5% का लाभ अर्जित करने के लिए, देख बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे, एक लाइन में 425 रुपए की बेचता है, कितने परसेंट का लॉस होता है उसको, 15% का, यानी 100 रुपए की चीज थी तो उसपे 15 रुपए का लॉस होता है, यानी कितना हो गया यहाँ से, 85 रुपए, यानी 85 रुपए में बेचता है। पूछा क्या है इसने, 5% लाभ पे करना है, तो 5% यानी 100 रुपए की चीज थी, 5% प्राप्त करना चाहता है, तो 105 रुपए में बेचेगा, तभी तो 105% का लाभ होगा उसको, तो 105 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, 8 × 5 = 40 और 25, यानी ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार, तो 5 को 105 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 525, तो इसको 525 रुपए में बेचना होगा, तो आपको इतना ही करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति एक वस्तु का अंकित मूल्य है वो 625 रुपए है, अंकित मूल्य पर 32% छूट देने के बाद वो 25 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, और आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी आपको देखिए प्रतिशत लाभ जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस की जरूरत होगी आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये तो करना आपको। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या किया है, यहाँ से 625 का मार्क प्राइस देता है, 625 रुपए इसका मार्क प्राइस है। इसने बोला कि मार्क प्राइस पे 32% की छूट दी गई, तो 32% की छूट दी गई, 32% का मतलब कितना होता है, यहाँ से 8 × 32 यानी 25, 8/25 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, यानी 25 रुपए पर उसने 8 रुपए के डिस्काउंट दिया है, यानी कितने में बेचा होगा उसने, 17 रुपए, तो ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 25 से करेंगे तो 25 बार 25 × 17 करेंगे तो देखिए 250, या डायरेक्ट कर लीजिए आप, 25 150, 25 × 7 = 175, 17 और 25 = 35, 40 और 42, यानी 425 रुपए इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब इसने बोला है कि 425 रुपए का लाभ होता है, तो देखिए सेलिंग प्राइस 425 रुपए है, इस पे 25 रुपए का लाभ हुआ है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आएगा इसका, कॉस्ट प्राइस कितना होगा फिर, 400 रुपए, तभी तो इस पे 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तभी तो ये 425 बनेगा, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 400 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, यहाँ से 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इस पे 400 पे × 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 25/4 यानी 6.25%, तो कौन सा आ रहा है, निकटतम पूर्णांक में पूछा है तो 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसने बोला 20% का जो मार्कअप किया है, तो 20% का मतलब 5 से कितना कर दिया उसने, 6 रुपए, ठीक है, ये फ्रैक्शन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये परसेंटेज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बिल्कुल परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है उस कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने। तो यहाँ से 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से कितना किया उसने, 6 रुपए कर दिया, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 10 रुपए की चीज को कितने में बेचा उसने, 9 रुपए में, तो मुझे बताइए यहाँ से ओवरऑल कितना हो गया,
₹50 की चीज थी तो नोच की गाड़ी ₹54 में उसने बेची है। तो 100 पे देखना है परसेंटेज निकालने के, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, 100 पे कितना हो जाएगा 108, यानी ₹100 की चीज को उसने 108 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको 8%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा तरीका, अगर देखिए यहां से बोला है कि 20% पहले बढ़ाया है, मार्कअप किया है और फिर 10% डिस्काउंट दिया है, तो ये सक्सेस ही हो गया यहाँ से कि पहले 20% बढ़ाया गया यहाँ से और फिर 10% क्या कर दिया, कम कर दिया गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है a+b+ab/100, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए पहले 20% बढ़ाया गया और फिर घटाने के लिए माइनस का यूज करते हैं, तो -10, यहाँ से 1 + 1 - तो बाहर माइनस आ जाएगा, 200/100। तो यहाँ से कितना आ गया देखिए 10, और यहां से कितना आएगा -2, तो कितना आ गया ओवरऑल परसेंट 8%। अगर ऐसे नहीं करना चाहो, तीसरा तरीका बिल्कुल ही बेसिक, 100 मान लो आप कि टोटल अगर उसका कॉस्ट प्राइस ₹100 था, मार्कअप किया 20% तो ₹120 हो गए, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट, 120 का 10% कितना हो गया ₹12, तो ₹120 में 12 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा उसने, ₹108 में। तो कॉस्ट प्राइस 100 था और बेचा कितनी में, 108 में, प्रॉफिट कितने का हुआ 8%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टाइम बिल्कुल इक्वल लगेगा, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर मार्कअप को क्या करता है, वो 28% की छूट देता है मार्क प्राइस पे, फिर वो 30% का लाभ कमाता है, मार्क प्राइस पे 28% का डिस्काउंट देगा और 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर ₹30.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा टाइप है और ये बार बार आएगा, इस जो 35 क्वेश्चन है इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप से बेस्ड है, तो अच्छे से समझ लेना। देखिए यहाँ से इसने बोला है कि 28% की, जब भी देखिए ये बोला जाए ना कि मार्क प्राइस को कुछ बढ़ाया जाता है और उस पर प्रॉफिट होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपको पता होगा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये इसका रेशियो आ जाता है यहाँ से कि देखिए कॉस्ट प्राइस पर इसने बोला है कि मार्क प्राइस को 28% बढ़ाया गया, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 + - डिस्काउंट होता है, यहाँ डिस्काउंट हो सकता है या बढ़ाया होगा कुछ, और मार्क प्राइस के नीचे आता है 100 + - या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आपको याद रखना है, यहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि मार्क प्राइस को 28% की छूट दी गई मार्क प्राइस पे, तो और फिर वो 30% का लाभ कमाता है, अगर उसकी बिक्री पर ₹30.90 का लाभ हुआ, तो इसने देखिए डायरेक्ट क्या दे दिया, यहाँ पे लाभ दिया है आपको, प्रॉफिट दिया है, ₹30.90 का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 30%, तो देखिए यहाँ पे 30% की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 30.90। तो मुझे बताइए यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालो, 100% की वैल्यू निकालो तो वो कितना, वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस, क्लियर। तो देखिए 30% प्रॉफिट की वैल्यू इतनी है, तो 100% की निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो देखिए 30 से यहाँ से 3 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दीजिए यहाँ से, तो 1 0 यानी कितना आ गया कॉस्ट प्राइस आपके पास, ₹103, क्लियर है, कॉस्ट प्राइस आपके पास ₹103 आ गया। अब देखिए रिलेशन अब लगाएंगे यहाँ पे, इस पे 28% का डिस्काउंट दिया, तो रेशियो बता दीजिए यहाँ से कि कॉस्ट प्राइस का 100 + - डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया तो माइनस करेंगे, यानी 100 - 28 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से 72, इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100 + प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 का, तो यानी 130, क्लियर। तो 103 की देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 72, तो 72 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 103, 103 है वो 72 की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा क्या है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस की यूनिट कितनी है 130, आपसे 130 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो यही इसका आंसर होगा, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 72 से काट दीजिए एक बार, जाएगा 72, यहाँ से बचेगा कितना देखिए 73 और 31 बचेगा, क्लियर, यहां से कितना बच जाएगा 31, तो यहां से पॉइंट लगाएंगे तो 310 हो जाएगा, 310 में 72 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 यानी 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 यानी 288 बार चला गया, बचा कितना यहाँ से 22 बच गए, 22 बच गए यानी 220 होगा, फिर से 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 7 चौक 28 होता है और 7 या 21, तो लगभग 3 बार जाएगा यहाँ से,
ठीक है, तो 3 बार जाएगा यानी 1.43 को आपको किससे गुना करना है, 1.43 को आपको गुना करना है 130 से, ठीक है। तो सिंपली देखिए 0 से हट जाएगा तो यानी पॉइंट है वो आगे आ जाएगा, यानी 13 को 14.3 से गुना करना। तो जब 13 को 14 से गुना करेंगे तो वो तो कितना आ जाएगा 169, और 13 और जोड़ेंगे 169, 172, 182 होगा, 182 प्लस इस पॉइंट 3 को 13, 13 से गुना करेंगे तो 13 3 39 यानी कितना आएगा 3.9 ये आएगा। तो यहां से कितना आ गया 185.9, तो लगभग किसके आसपास आ रहा है ये 186, क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी करना, देखिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है अभी जो 2021 के पेपर हो रहे हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। पहले जो 2017 से पहले पेपर होते थे उसमें क्या है कैलकुलेशन कम होती थी, डाटा बिल्कुल इजी रहता था, लेकिन अभी क्या है कंसेप्ट वही है, टाइप वही है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा कर दिया है। तो आपको कैलकुलेशन पर भी वर्क करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे कैलकुलेशन पर करना चाहता है मल्टीप्लाई कैसे करे डायरेक्ट कैसे करे, तो इसके लिए मैंने आपको एक ई बुक बनाई है आपके लिए, जिसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी हुई है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी। तो देखिए 50 रुपए की दर से उसे 40 वस्तुएं खरीदता है, तो यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया 2000 रुपए, उसके इतने रुपए लग गए। उसने 35% वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पे बेचा और 5% वस्तुएं हैं वो खराब हो गई जिसके कारण उसने 10% लॉस पे बेच दिया उसको, तो बताइए कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट 35 वस्तुओं को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 50 रुपए में खरीदा था, 50 का 20% कितना हो गया यहाँ से 10 रुपए, तो 10 रुपए प्रॉफिट पे बेचा उसको, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 35 वस्तुओं पर कितना का प्रॉफिट हो जाएगा उसको 350 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है। तो इतना प्रॉफिट होगा, 5 वस्तुएं क्या हो गई खराब हो गई तो उसने 10% लॉस पे बेच दिया, तो 50 का 10% कितना होता है 5, तो 5 रुपए कम में बेचा है, तो 5 वस्तुओं को कम में बेचा है तो यहाँ से कितना हो गया देखिए यहाँ से माइनस हो जाएगा, 5 वस्तुओं को 5 रुपए कम में बेचा यानी कितने रुपए कम हो गया उसके 25 रुपए, यानी कितने में बेचा उसने 325 रुपए उसके प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया ओवरऑल प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। इसने ओवरऑल पूछा है कि कुल प्रॉफिट कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, 2000 पे 325 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया है × 100, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा 16.25, ये इतना प्रॉफिट कमाएगा, क्लियर है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को है आप जितना डेली लाइफ में कनेक्ट करोगे उतना ही इजी बनेगा ये क्वेश्चन। एक चाय बेचने वाला देखिए 9 रुपए प्रति कप चाय को बेचकर वो 50% का लाभ कमाता है, जब सामग्री की कीमत 25% बढ़ गई, कॉस्ट प्राइस जब 25% बढ़ गया तो उसने 10 रुपए का कर दिया वो चाय का गिलास, अब बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए उसने 9 रुपए का वो पहले बेच रहा था तब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था 50%, क्लियर। तो जब ये 9 रुपए का बेच रहा था ये सेलिंग प्राइस, क्लियर है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था 50% का, तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। तो यहां से देखिए कन्वर्जन आपको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए एक बार, बता देता हूँ कि 9 है देखिए सेलिंग प्राइस है, ये 50% लाभ पे है, कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस है तो 50% का लाभ हुआ यानी कितना हुआ 150 है सेलिंग प्राइस है, तो 9 है वो 150 की, यानी आप यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लीजिए 25 चौक 100 और 25 चौक 100 यानी 25 छह 150, यानी 2:3 होगा, जैसे 50 से डिवाइड कर दिए 2:3 होता है, यानी ये 3 की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कितना होगा यहाँ से 3 3 9 यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 6 रुपया, क्लियर है। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया 6 रुपया, इस तरीके से अपन निकालेंगे कन्वर्जन तरीके से, क्लियर। तो आप निकाल सकते हैं 9 है वो 50% प्रॉफिट हो रहा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका 6 रुपया, यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं देखिए 6 रुपए हैं तो 6 रुपए का 50% यानी आधा रुपए कमाएगा, 6 रुपए का आधा कमाएगा यानी 3 रुपए कमाएगा, कितने में बेचेगा 9 रुपए, तो ऐसे हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9 रुपए। फिर उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस जब कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ गई, तो कॉस्ट प्राइस जब 25% बढ़ गई तो 6 का 25% 25 की 150 यानी 1.5 रुपए, तो 6 रुपए की जो लग रही थी उसकी लागत वो 1.5 रुपए उसके खर्चा और बढ़ गया, तो कितने का हो गया उसका खर्चा 7.5 रुपए का, लेकिन अब उसने क्या कर दिया 9 रुपए का गिलास था वो 10 रुपए का गिलास कर दिया उसने, तो मुझे यहाँ से बताइए उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस 7.5 है और सेलिंग प्राइस 10 है, यानी इतने का तो उसको खर्चा आया इतने में बेचा, प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ से 2.5 का और कितने पर 7.5 पे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया फ्रैक्शन 1/3 और × 100 करेंगे परसेंटेज के, तो 1/3 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया वापस से, 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बेचने पर 33,080 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अभी जो लास्ट टाइप आया था उसमें क्या पूछा था आपको, मार्क प्राइस पूछा था, तो यहाँ से दूसरा टाइप आ गया उसी का रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा है, अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस का हमने देख लिया। सेलिंग प्राइस का देखो कि अगर इसने बोला है, देखिए क्या बोला है कि 3,080 रुपए है वो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे रही है 20% का प्रॉफिट होता है, तो ये 20% की वैल्यू है। अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 20 × 25 100, 5 से गुना करेंगे, इसका आधा करके 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 15,400 रुपए, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर। अब इसने खुद ने ही ये बोला है कि इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,080 रुपए का, कॉस्ट प्राइस इतना है, 3,080 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 18,480 रुपए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टोपियां खरीदी, ठीक है, और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी प्रॉफिट, कितनी टोपियां बेचनी होंगी। तो 3 रुपए में उसने कितनी, सॉरी 1 रुपए में उसने 3 टोपियां खरीदी। क्लियर है। 1 रुपए में 3 टोपियां खरीदी, उसे कितना प्रॉफिट चाहिए, 50% का प्रॉफिट कमाना है। तो 50% का प्रॉफिट कमाना है तो सिंपली देखिए, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई क्या, ये 1 टोपी की कॉस्ट प्राइस हो गई। जैसे 50% कमाना है यानी कितना हो गया, 2 रुपए में कितना कमाना है, 3 रुपए। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी 2 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक टोपी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अब जो बेचेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ गई, 1/1 टोपी की आएगी, ठीक है। 1 टोपी की कितनी आ गई सेलिंग प्राइस, 1/2, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए 1 रुपए में कितनी टोपी बेचेगा वो, 2। यहाँ पे क्या मतलब था, 1 रुपए में 3 टोपी बेचेगा, और यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 1 रुपए में कितनी बेचेगा, 2 रुपए, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, दूसरा तरीका अपन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। देखिए 1 रुपए में वो कितनी टोपियां बेचता है, वो 3 टोपियां बेचता है, सॉरी खरीदता है, कितनी टोपियां खरीदता है, वो बोल रहा है कि मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए। 50% का प्रॉफिट क्या है, यानी 1 रुपए की चीज है तो उसपे, देखिए 1 रुपए का वो खरीदता है तो इसका 50% यानी 50 पैसे कमाना चाहता है वो, यानी अब वो कितने में बेचेगा इसको, 1.5 रुपए में बेचेगा, ठीक है, 50 पैसे कमाना चाहता है वो, तो 1.5 रुपए में बेचेगा कितनी टोपियों को, 3 टोपियों का। आपसे पूछा है कि 1 रुपए में कितनी बेचेगा, तो 1.5 रुपए में बेचता है 3 टोपी, तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा, 3/1.5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टोपी, तो 1 रुपए में वो कितनी टोपी बेचेगा, 2। तो आप माइंडली भी कर सकते हो, ये मैंने आपको लिख के बताया कैसे करते हैं, बाकी आप माइंडली कर सकते हो। 1 रुपए में 3 टोपी बेचता है, 50% कमाना चाहता है, तो 1.5 रुपए में बेचेगा, यानी 1 टोपी की कीमत कितनी होगी, 50 पैसे। 1 टोपी की कीमत 50 पैसे हो गई तो 2 की कितनी हो जाएगी, 1 रुपये, यानी 1 रुपए में 2 टोपी बेचेगा तब होगा उसका 50% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वो 10% की छूट देता है, उसका प्रॉफिट बताइए। देखिए सेम सवाल अभी आपने किया था, देखिए दो दो तरीके बताए थे मैंने आपको, 20% का मतलब 5 से कितना हो गया, 4, फिर 10% का डिस्काउंट देता है, 10 से कितना कर देता है, 9, यानी यहाँ पे देखिए सेम सवाल था, ये भी मैंने आपको बता दिया, 8%। क्लियर। एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है, आगे वो लाइन देखिए, मैंने जो बताया था फॉर्मूला, जो रिलेशन बताया था उसी की लाइन आगे, इतना छूट देके वो इतना प्रॉफिट कमाता है, क्रय मूल्य 500 रुपए हैं तो मुद्रित मूल्य क्या होगा, वही रिलेशन लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 - डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट देता है तो 90 = मार्क प्राइस अपॉन 100 + प्रॉफिट, तो यहाँ पे 17% का प्रॉफिट हो रहा है तो 117। 500 रुपये आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 500, और आपसे पूछा क्या है इसका मार्क प्राइस क्या है, 117 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो देखिए 500 है वो 90 की यूनिट की वैल्यू है, और पूछा क्या है आपसे, 117 यूनिट की वैल्यू, सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 चल जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, 9, और यहाँ से बचेगा देखिए कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 * 27, तो 13 × 63, तो 650 रुपये हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन है, यहाँ से 100% CGL में क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से तैयार करना आप। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 अंकित करता है, ये मार्क प्राइस। वह डीलर को 15% डिस्काउंट देता है और नकद उधार करने पर 8% का और डिस्काउंट देता है, तो बताओ कितनी राशि होगी, उसने जो राशि पे की वो कितनी होगी। तो सिंपली आपको एक लाइन में करना है, 1800 रुपये मार्क प्राइस था, उससे पहले वो 15% का डिस्काउंट देता है, 15% का मतलब 20 रुपये पर 3 का डिस्काउंट देता है, तो इतने रुपये में बेचेगा। फिर उसने एक्स्ट्रा 8% का डिस्काउंट और दिया है, तो 8% का मतलब कितना होता है, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/25, यानी 25 रुपये पे वो कितने का डिस्काउंट देगा, 2 का, यानी 23 रुपये में बेचेगा। तो यही क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा, और यही हमसे पूछा है। सोल्व कर लीजिए यहाँ से, तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 5,000 होगा, तो यहाँ से 2 से 0 और यहाँ से 25 दूना 50, 500 होगा, यानी 5 बच जाएगा नीचे। क्लियर, सोल्व कर लीजिए। देखिए 18 × 17 और 23 से गुना करना है, तो सबसे पहले आप गुना कर दीजिए, किससे, 17 से गुना कर दीजिए आप, तो 17 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 17 × 18, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में 17 और जोड़ेंगे अपन, क्लियर है, तो 289, तो 290 और 300 हो जाएगा 300, देखिए कर लेते हैं अपन ठीक तरीके से। देखिए 289 है और इसमें हम 17 और जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9, 16, 8 और 9, 10, 0, 306, 306 होगा, और 306 को 23 से गुना करके 5 से डिवाइड करना है, ये होगा इसका। 23 से और गुना कर दीजिए, तो 23 छी 138, 23 छी 138 यानी 13 होगा, 3 चला जाएगा वहां से लेके जाएगी, और 23 3 69, 69 और 70, ये उतना होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे यानी इसका डबल करके पॉइंट लगा दो, तो 8 × 16 वहां से चला जाएगा, 3 × 6 और 7, यहाँ से 0 और 7 × 14, और पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1407.6, 1407.6, यानी कितना आ रहा है, 1408, पूर्णांक लगभग निकटतम में बताना, तो 1408 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको देखिए इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी वो 30% का लाभ कमाता है। देख लीजिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये लाइन सभी में आएगी। 28% की छूट देता है, 30% का प्रॉफिट कमाता है, बिक्री मूल्य इतना है, बिक्री मूल्य पर 39.90 का प्रॉफिट कमाता है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, जो मैंने आपको अभी पहला टाइप बताया था उसी पे है। तो क्या करेंगे अपन, 39.90 है वो, 30% की वैल्यू है, 30% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, पोस्ट प्राइस। तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से दोनों से कट जाएगा, यहाँ से 0 से कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 × 6 और यहाँ 3 × 9 और 3 × 9, यानी 133 रुपये इसका क्या आ गया, पोस्ट प्राइस। वो रिलेशन लगाएंगे, पोस्ट प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दिया, 28% का, तो पोस्ट प्राइस अपॉन 72 और मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट होगा 30% का, तो 130। तो जो 133 है वो 72 की वैल्यू है, मार्क प्राइस पूछा है 130 की वैल्यू पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। क्लियर है, तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से, देखिए 72 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से 1 तो 1 बचेगा और 3 और 6 यानी 61 बचेगा। क्लियर है, 61 बचेगा यानी पॉइंट लगाएंगे तो 610 हो जाएगा, 7 से करेंगे 72 से तो कितना आ जाएगा, देखिए 749, 7 × 56, तो 8 बार जाएगा यहाँ से, 7 × 8 = 56, हाँ 7 × 8 = 56, 8 बार जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, 8 बार करेंगे तो 578 हो गया, यानी बचेगा कितना यहाँ से, यहाँ से बचेगा 2232, 32 बचेगा, 320 बनेगा वापस से, 7 × 28 यानी 4 बार जाएगा, तो 1.84 होगा, इसको 130 से गुना करना होगा, तो यहाँ से गुना करेंगे ये तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 को ये 0 इधर आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया जाएगा यहाँ से, यानी आपको गुना करना है 13 को 18 से, क्लियर है, तो 13 को 18 से गुना करना है तो 180, देखिए 18 को 10 से गुना करेंगे तो 180 होगा, प्लस 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 होगा, प्लस फिर क्या हो गया, 13 का 0.4%, 0.4 से गुना करेंगे तो 13 × 52, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 5.4, तो इसको सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, 224 और 224 और 5.4 और जोड़ेंगे तो 229, देखिए यहाँ से कितना हो गया, 223 यानी 230 होगा, 234 प्लस 5.4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 239.4, ये कितना आएगा, 240, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार ने 4600 रुपए में एक
मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। मेज पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और चेयर पर है उसे 6% का। ये यहाँ पे 6% है, क्लियर, 6% का प्रॉफिट हुआ। कुल प्रॉफिट बताइए, देखिए सेम टाइप था जो हमने अभी किया था, 4600 रुपये पर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस देख लीजिए कि 4600 रुपये में खरीदता है और 1800 रुपये में खरीदता है, दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ से, तो 5000 यानी 6000 और यहाँ से 8 6 14 यानी 6400। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ से, 6400 रुपये हो गए। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से, देखिए मेज पर हुआ है 10%, तो 4600 का 10% कितना हो गया, 460 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1800 पर 6% का प्रॉफिट हो गया, तो 1800 का 6% कितना हो गया, 108, तो 108 और यहाँ से 10, यहाँ 108 आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से, देखिए 568 रुपये के, तो 568 रुपये का प्रॉफिट हो गया, किस पे हुआ, 6400 पे इंटू 100, क्लियर है। ये आएगा यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 64 से डिवाइड करेंगे, देखिए पहले यहाँ से काट दीजिए आप, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 4 से 100 64 हो जाएगा, 400 और काटेंगे, 4 4 16, 4 2 142 में 16 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक बार और काट दीजिए यहाँ से 71, तो 71 में 8 से डिवाइड करना है, यानी कितना आ गया, 8 64 और 5/8, 8 64 6 और 7 आएगा ना, 8 से ही 7/8%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है 4:5, ये आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्लियर है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो क्लियर। देखिए यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं कि इसका ए का कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो बी का कितना होगा, 50, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 40 और 50 मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसने बोला है कि देखिए इसको 10% प्रॉफिट होता है, इसको 20% प्रॉफिट होता है, उनके सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में अंतर इतना है 480 रुपए का, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का जो होगा, कॉस्ट प्राइस होगा उसका 30% बताना है। तो सिंपली देखिए आपको क्या करना है, देखिए इनका डिफरेंस दे रखा है 480, तो मुझे बताइए यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। इसको 10% का प्रॉफिट हुआ, 40 का 10% 4 रुपए का यानी 44 रुपए में बेचेगा। बी को 20% का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए ज्यादा में बेचेगा यानी 60 रुपए में बेचेगा। इनके बीच का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है यहाँ से, 480 दे रखा है, तो यहाँ से 16 की वैल्यू आपको दे रखा है 480 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 रुपए। पूछा क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस, तो मुझे बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी यहाँ से, देखिए 90 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 90 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, ये टोटल कर कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका पूछा आपको 30%, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 30/100 कर दो आप, 0 से 0 कट गया, देखिए 3 3 9, 9 को 90 से गुना करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से, 810। नेक्स्ट देखो, कोई दुकानदार 48% और फिर 15% की एकल छूट की घोषणा करता है, पहले 48% देता है फिर 15% की और देता है, 29600 रुपए वाले सोफे पर अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या दे रखा है, देखिए ये इतना है, इस पे 48% का डिस्काउंट दिया, 48% का प्रोडक्शन निकालेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 12/25, तो 25 रुपये पर 12 12 रुपये का डिस्काउंट देता है यानी 13 रुपये में बेचेगा। फिर 15% का डिस्काउंट देता है, 15% का मतलब क्या होता है, 1/3/20, तो 20 रुपये पर 3 का डिस्काउंट देता है यानी 17 रुपये में बेचेगा, तो यही तो इसका क्या होगा, फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। तो इसी को आपको सोल्व करना है, देखिए अब इसको सोल्व करने का देखिए तरीका, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 20 25 50 यानी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, नीचे 0 से 0 कट गए यहाँ से। अब वही तरीका 13 से गुना कर दीजिए, पहले 13 से गुना करेंगे तो 13 6 78, 7 चला जाएगा यहाँ से ऊपर, और 13 8 104, 13 9 117, 117 और 7 जोड़ेंगे तो 124 यहाँ से चला जाएगा, 124 हो गया, तो हासिल 12 12 चली जाएगी, 13 2 26 28 और 38, फिर इसको गुना करेंगे 17 से और डिवाइडेड बाई 5, 17 से गुना करेंगे तो 17 इंटू 136, तो हासिल चली जाएगी 13, 17 51, 17 4 68, 68 और 3 71, 71 और 10 81, तो हासिल चली जाएगी 8, 17 इंटू 136, 136 और 8, 136 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, क्लियर, 144, तो हासिल चली जाएगी 14, 17 51, 51 और 4 55, 55
और 10 जोड़ेंगे तो 65। इसमें डिवाइड करना है 5। 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, इसका क्या कर दीजिए आप, इसका डबल कर दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका डबल करेंगे तो 2 12, यहाँ से 3 8 और यहाँ से 10 का 0 हासिल चली जाएगी, 12 और 13, और यहाँ भी पॉइंट लग जाएगी। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, 13,083, 13,083, 13,083.2 आएगा, तो 13,083 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सिंपली आपको 20% और 25% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, यानी 5 रुपए की चीज को, देखिए 20% का मतलब 5 की चीज को उसने कितने में बेचा, 4 रुपए में, और 25% का मतलब क्या है कि 4 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा, 3 रुपए में। तो जो ओवरऑल होगा यहाँ से देख करोड़ से हार कट रहा है तो काट दीजिए, यानी मार्केट प्राइस इतना था तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगी, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, 5:1। क्लियर। इसने बोला है कि 250 रुपए की एकल डिस्काउंट, यानी इतने रुपए का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस 5 रुपये था तो उसने बेचा कितने, 3 रुपये में, तो यहाँ से मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का दिया, यहाँ से डिस्काउंट दिया 2 रुपये का। क्लियर है। तो 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे दिया कितना है, 250, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 125 रुपये। तो मुझे बताइए कि टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका, मार्क प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट का निकालना है तो 5 यूनिट × 125, तो ये मार्क प्राइस होगा। इसने फिर क्या बोला है कि मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो मार्क प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। ये 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से 1 रुपये ज्यादा है, यानी 5 की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ से 125 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1248 20, यानी 480 और 20 कितना हो जाएगा, 500, तो ये इसका पोस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से, और 60 पेंसिलें हैं वो 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, तो मुझे बताइए जो टोटल पोस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा इसका। 60 पेंसिलें हैं वो एक पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का कितना हो गया, 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है तो एक पेंसिल का इतना होगा, ये इतना हो जाएगा, और 60 पेंसिल है वो 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। क्लियर। तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, बार यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 15.75, यानी 15.75 रुपये इसके हो गए, और यहाँ से 90 रुपये इसका हो गया, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 165 रुपये। क्लियर। फिर इसने क्या किया कि जो टोटल थी 120 थी, यहाँ से सेलिंग प्राइस टोटल कितनी पेंसिल हुई, 120, 120 पेंसिलों को कितने में बेचा उसने, 4 रुपये में 3 की दर से, 4 रुपये में 3 की दर से, इतने रुपए में बेचा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 × 16 यानी 160 रुपये। क्लियर है। सेलिंग प्राइस 160, पोस्ट प्राइस 165, यानी 165 रुपये में उसने खरीदा और बेचा कितने में, 160 रुपये में, लॉस कितने का हो गया उसको, 5 रुपये का लॉस हो गया, कितने पर, 165 पर × 100, तो ये क्या होगा, लॉस परसेंट, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15, तो कितना आ गया यहाँ से, 33 दिया 99, 3 सही, यहाँ से कितना आएगा, 3 सही, 1/33%, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, 400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर तो जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी उसे 10% एक्स्ट्रा और छूट दे दिया, तो बताइए ग्राहक को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध हुई। तो देखिए 400 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 10% का डिस्काउंट दिया, 10 की वस्तु को कितने बेचा, 9 में, और फिर से 10% का और डिस्काउंट दे दिया तो इतना हो गया यहाँ से, तो यही तो क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस होगा। सोल्व कर लीजिए, 0 से 0, 81 को 4 से गुना करेंगे यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, 81 को 4 से 334, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका देख लीजिए आप, देखिए दूसरा तरीका क्या है, 10% का डिस्काउंट देता है, 10 की वस्तु को 9 में बेचता है, फिर से 10% का डिस्काउंट देता है, इतने ही बेचेगा, तो ये तो क्या हो गया मार्क प्राइस, और ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ से कितना हो गया 100, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 81। मार्क प्राइस आपको 400 दे रखा है, 400 दे रखा है यानी इसका 4 गुना दे रखा है, तो बताइए यहाँ से सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा इसका, 4 गुना, तो कितना हो जाएगा, 324, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर
अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, इसने 832 रुपये में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस से कुछ ज्यादा बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसने 832 रुपये में बेच दिया, मान लेते हैं उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर इसने बोला कि 448 रुपये में जब बेचता है तो कॉस्ट प्राइस से कम बेचेगा तभी तो उसको क्या होगा, 448 में बेचेगा तभी तो इसको लॉस होगा। इसने बोला है कि दोनों जो लाभ हुआ है उतनी ही बराबर में हानि हुई है, तो 100 रुपये का लाभ हुआ था, यहाँ पे 100 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है सबसे पहले हमें, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे 100 रुपये और यहाँ पे 100 रुपये, तो यहाँ पे इनका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हो गया है, 2x का डिफरेंस हो गया। तो जो 2x की वैल्यू हो गई, इसका डिफरेंस कितना है यहाँ से 448 और 832। देखिए 832 में से 432 को घटा दीजिए तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 400, और 400 में से 16 और घटा दीजिए तो 384, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 192। क्लियर है? यानी जो प्रॉफिट होगा वो 192 होगा और जो लॉस होगा वो भी 192 होगा। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, देखिए टोटल इतना 832 रुपये में बेचता था, 192 रुपये का प्रॉफिट होता था, तो 192 यहाँ से घटा दीजिए, या यहाँ से कर लीजिए 448 रुपये है लॉस होता है 192 का, तो यहाँ से 448 में 192 जोड़ दीजिए, तब भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। क्लियर है? तो 832 रुपये में से आप क्या कर दीजिए, 192 हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 9, और यहाँ से 4, और यहाँ से 6, ठीक है। तो यानी 640 रुपये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस पर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में बेचेगा, तो देखिए कॉस्ट प्राइस 640 है, इसका 10% कितना हो गया, 64, 10% कितना हो गया, 64, तो 640 में 64 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 704 रुपये, कितना हो जाएगा, 704 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य 704 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ अर्जित किया, और कुल पूंजी जो उसकी प्रारंभिक राशि थी और जो प्रॉफिट हुआ था इनको जोड़ा, और जो जितना भी हुआ उसका 50% उसने क्या किया, 50% का मतलब जो आधी राशि थी उसको डोनेट कर दिया, उसके पास आधा रुपये बचा। फिर उसने क्या किया, दूसरे और तीसरे साल भी ऐसे ही किया, बाद में शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि तीनों वर्ष में, 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतने रुपए बच गए, तो बताइए कि उसने प्रारंभ में कितने राशि के साथ व्यवसाय को शुरू किया था। क्लियर है? तो देखिए बहुत ही बिल्कुल अपन डेली लाइफ की तरह करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, फिर आपने क्या किया कि 60% का लाभ कमाया, तो बताइए यहाँ से 60% का लाभ कमाया, जैसे मान लीजिए यहाँ से 100 अक्स, मान लीजिए कि आपके पास 100 अक्स रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 100 अक्स, यहाँ पे देखिए परसेंटेज निकालना तो आपने 100 अक्स मान लिया, तो आपके पास 100 अक्स रुपए थे। क्लियर थे? आपने कमाया 60%, तो बताइए कितना हो गया आपके पास, 160 अक्स, इतने रुपए हो गए, 160 अक्स हो गए। इसमें से इसने 50% क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, इसमें से 50% डोनेट कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, अब जो शेष बचेगा वो कितना बचा, देखिए आधी राशि को तो इसने डोनेट कर दिया, यानी 80 अक्स को तो डोनेट कर दिया इसने, इसको तो क्या कर दिया, इसने दान कर दिया, तो बचा कितना इसके पास, 80 अक्स बचा। क्लियर है? फिर 80 अक्स को फिर से वापस क्या किया, इसके 60% वापस मिला इसको, तो इसका 60% मिला, यानी 60% का मतलब कितना हो गया, 8 6 48, तो 48 अक्स रुपये मिला इसके, तो 80 में 48 अक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 128 अक्स, तो अब इसके पास 128 अक्स हो गए। इसमें से इसने आधा रुपए, ठीक है, इसमें से जो 128 रुपए हैं इसमें से 50% डोनेट कर दिया, यानी 64 को तो क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया, अब इसके पास बचे कितने, 64 यूनिट, इतने रुपए तो बचे। तो ये हो गया सेकेंड ईयर का, और यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का। अब थर्ड ईयर देखेंगे, तो तीसरे साल में क्या किया इसने, इसका 60% कमाया, इसका 60% कमाया, यानी कितना हो गया, 64 का 160% हो गया, इतना रुपए कमाया इसने। क्लियर है? एक्स का एक्स चलता जाएगा, तो इतना रुपए कमाया, और फिर इसमें से इसने क्या कर दिया, आधा जो 50% था वो डोनेट कर दिया, और बचा कितना उसके पास, 1/2, यही तो बचेगा, तो ये क्या हो गया उसके पास, शेष राशि बच गई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15,360।
तो ये दे रखी, आपको इसको सिंपली सोल्व करना है और यहाँ से क्या निकालना, आपको 100x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से 20 है, 2 से काट दीजिए आप यहाँ से, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 10 है ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15,000, ठीक है ये तो है, और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 64 × 8 इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 73 बचेगा, 8 9 72 8 19 16 ये होगा। फिर यहाँ से वापस देखिए 8 से जा रहा है क्या, 8 8 से नहीं जा रहा, 4 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो 4 और 1 16 चौक 64 होता है, 16 से डिवाइड, और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, और 4 × 32, तो यहाँ से जा रहा है 16 से और जा रहा है, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 300, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300। आपके पास प्रारंभिक जो आपने माना था वो कितना माना था 100x, यानी 100x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 30,000, क्लियर। तो 30,000 उसके पास क्या थी, इनिशियल राशि थी उसने इन्वेस्ट किया था, क्लियर, तो ये 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि एक वस्तु को 13 से 1/4% यानी कितना, मतलब कितना होगा 13.25 इतने प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यदि उसे 76.70 अधिक रुपए में बेचा गया होता तो उसे इतने प्रॉफिट होता, तो सेम सवाल है यहाँ से, इसका मतलब क्या होगा 16.2, ठीक है 16.20, तो इतने रुपए का प्रॉफिट होता है। तो देखिए सिंपली आपको क्या दे रखा है, इनके बीच की डिफरेंस दे रखा है जो हमने अभी किया था, इस 76.20 से वो किसके डिफरेंस की वैल्यू है, इन दोनों की डिफरेंस की, तो 16.20 में से 13.25 घटाएंगे, तो देखिए 13.20 घटाएंगे तब तो कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, और 3 में से 0.05 और घटा दीजिए तो 2.95 बचेगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से आपसे पूछा क्या है, देखिए क्रय मूल्य का 50%, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट यहाँ से 50% निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ से ये तो हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये तो क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, और इसका 50% पूछा है यानी इसका आधा पूछा है, क्लियर, यानी सिंपली आपसे क्या पूछा है, इसका 50% पूछा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए इसका 50%, क्लियर है, तो ये हो गया इसका 50%, क्लियर। यहां से देखिए सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहां से 5 से काट दीजिए तो यहाँ तो बच जाएगा 10, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 25, और यहाँ से 4 बचेगा 5 9 45, 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए एक बार जाएगा 59, और यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से बचेगा देखिए 7 और 17 बचेगा, ठीक है यहाँ से कितना बचेगा 61 होगा और 17 बचेगा, ठीक है, और 177 हो जाएगा, 177 में 59 से डिवाइड करेंगे तो 55 25 यानी 5 3 15 और 9 3 27, तो कितनी बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 13 बार, ये 13 बार पूरा पूरा चला गया, तो इसका जो कितना आ गया आंसर आपके पास 13, तो यहाँ पे वो 2 0 और है, तो इसका जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 1300 रुपये, क्लियर है। नेक्स्ट देखो कि 10% 20% और 25% की कर्मिक छूट दी गई, तो एकल बताना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए 10% का मतलब 10 पे ₹1 का डिस्काउंट दिया इतने में बेचा, 20% का मतलब ₹5 की चीज है 4 रुपये में बेचा, 25% का मतलब ₹4 की चीज है 3 रुपये में बेचा, यहाँ से मार्क प्राइस और आपके पास सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए, जो क्रॉस में कट रहा है उसको काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ से और किससे कट रहा है, यहाँ से नहीं कट रहा, तो यहाँ से कितना आ गया 50 की 50, और यहाँ से 27 यानी 100 पर देखना है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए 54, तो यहाँ से कितने का देखिए, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला, ₹100 की चीज थी बेचा उसने ₹54 का, कितने का डिस्काउंट दिया इसने 46 रुपए का, तो 100 पर देखा है तो कितना परसेंट आ जाएगा 46%। आप इसमें ये फॉर्मूला भी लगा, अगर आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और एकल छूट पूछा है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई बाई हंड्रेड माइनस वाई जेड बाई हंड्रेड माइनस जेड एक्स बाई हंड्रेड प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपका क्या हो जाएगा 46% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पे बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, क्लियर है, तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये पूछा आपसे। तो देखिए इसने क्या बोला है कि एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है तब इससे क्या होता है, मूल्य के 70% पर, इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है,
मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसने जो बेचा है वो 100 रुपए में बेचा है, ठीक है। पहले जो कीमत रखी थी उसने, वस्तु की निश्चित कीमत रखी वो 100 रुपए रखी। फिर इसने बोला इस कीमत के 70% भी बेचा, तो 70% भी बेचा यानी इतने रुपए में बेचा, तो इतने रुपए में बेचा तब उसको 10% की हानि हुई, तो ये 10% की हानि यानी 9 की वैल्यू। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, तो जो 70 है वो 10% हानि के बाद यानी 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जो पहले सेलिंग प्राइस था, फर्स्ट सेलिंग प्राइस था, वो 100 रुपए माना था, तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस, इस पे देखना प्रॉफिट। तो आपको रेशियो से मतलब है, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, यानी जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 7:9। 7 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 7 रुपए पे, x100, तो इतना परसेंट हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मार्क प्राइस पर 31% पर छूट पर खरीदा, यदि छूट नहीं दी जाती तो उसे 2,480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। तो देखिए कॉस्ट प्राइस था इसका, इसने मार्क प्राइस पे क्या किया, डिस्काउंट दिया 31% का, 31% का डिस्काउंट लिया और इसने इतने रुपए में खरीद ली। क्लियर है। अब इसने ये बोला है कि यदि छूट न दी जाती, अगर ये मान लीजिए मार्क प्राइस पर ही खरीदता, मार्क प्राइस पर ही खरीदता, तो उससे 2,480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। क्लियर है, यही तो बोला है इसने कि 2,480 रुपये, यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का दे देता है, देखिए 2,480 रुपये, तो इससे 2,480 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ता, पुस्तक के लिए उसे कितना भुगतान किया, ये आपसे पूछा है। क्लियर। तो देखिए मार्क प्राइस पे 31% का डिस्काउंट दिया, मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 रुपये है, तो 31% का डिस्काउंट दिया, तो यानी इसने कितने में बेचा, यहां से इसने कितने में बेचा, 69 रुपये, यही बेचा, तो 69 रुपये में बेचा, ठीक है। और इनके बीच की डिफरेंस की वैल्यू 2,480 दे रखा है, यानी ये किसकी वैल्यू दे रखा है, 31% की वैल्यू दे रखा है, 31%, यानी कि यहाँ से 31 की वैल्यू कितनी हो गई, 2,480। और आपसे पूछा गया पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया, यानी 100 की वैल्यू पूछा है, तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, यहाँ से देखिए 2,480 है, वो तो यहाँ से 31 की वैल्यू है, और आपसे पूछा क्या है, 100 की वैल्यू बताना है, यही तो बोला है आपसे, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। देखिए 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 से 3 * 24 यानी 8 बार चला गया, तो कितना भुगतान किया उसने, 8,000 रुपये। क्लियर है। तो ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। देखिए इसने पूछा क्या है, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस बुक, ये आफ्टर पूछा है, पहले पूछा है इसने, यदि छूट नहीं दी जाती तो उसने 2,480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता, पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, तो इसने देखिए ये पूछा है, ये वैल्यू पूछा है कि डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने रुपए में बेचा, यही तो पूछा इसने, तो ये तो क्या आ गया इसके पास, मार्क प्राइस आ गया, तो मार्क प्राइस पे इसने कितने का डिस्काउंट दिया है, 31% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ से 31 का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ से देखिए 31 का डिस्काउंट दिया, 31% निकाल लीजिए यहाँ से, 31% निकालेंगे यानी कितना हो जाएगा, 8 या 24, 2,080 तो दे ही रखा है, तो 2,080 यहाँ से घटा दीजिए, 8,000 में से 2,480 रुपये घटाएंगे, 2,480 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5,520। तो इसने इतने रुपए में वो चीज खरीदी, तो ये इसका आंसर है। क्लियर। इसने पूछा है कि वो कितने रुपए में वो पे किए, उसने कितने रुपए पे किए थे, तो उसने तो किए कितने किया था, 31% डिस्काउंट पे लिया था उसने, इतने रुपए पे डिस्काउंट देके खरीदा था, तो आपसे कितना पूछा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से मार्क प्राइस निकालना है, और मार्क प्राइस पे निकाल के जो डिस्काउंट दिया है वो घटा देंगे, तो क्या जाएगा, यहाँ से उसने जो खरीदा है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने 12% लाभ पर बेच दिया, अब यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए इसने कितने में खरीदा, 22,000 रुपये में, और इस पर कितना खर्चा किया, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा और खर्चा कर दिया, यानी उसका जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितना पड़ गया उसके पास, 25,000, उसके कितना लगा, 25,000 रुपये। फिर इसने बोला है कि उसने 12% लाभ पर बेच दिया, तो 12%, देखिए एक तो दो दो तरीके हैं इसके करने के, देखिए पहला अगर बेसिक से करना चाहो तो देखिए इसने 12% प्रॉफिट पे बेचा है, तो देखिए 25,000 का 12% कितना हो गया, 3,000 रुपये, तो उसने 3,000 रुपये अधिक में बेच दिया, यानी कितने में बेचा उसने, 28,000 रुपये। क्लियर है। तो 28,000 रुपये बेच दिया। अब इसने ये बोला है कि अगर ये 500 रुपये कम में बेचता,
500 रुपये कम में बेचता, तो देखिए पहले 25,000 में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा वो? 500 रुपये कम में बेचेगा तो 27,500 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ से बताइए मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, पहले 3,000 का हो रहा था, अब कितना होगा उसको? 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने पर? 25,000 पर, 25,000 पर इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ गया? 10%। तो अब प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 10%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपने बता किया कि जो कोस्ट प्राइस है वो कितना है? 25,000 रुपये। क्लियर, 25,000 रुपये है। इसे जब वो बेचता था, ठीक है, इसको जो 12% पर प्रॉफिट पे बेचा उसने, अगर वो 500 रुपये कम में बेचता है, देखिए इसने जो प्रॉफिट बेचा है वो 12% पे बेचा है, अब जो 500 रुपये कम में बेचा है, तो ये देख लीजिए कि 500 रुपये का प्रॉफिट, एक यूनिट प्रॉफिट का कितना होता है? 1% प्रॉफिट कितना होता है? 1% का जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपये होगा? तो यहां से देखिए 500 का देख लीजिए कि 500 रुपये है, वो 25,000 रुपया कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा? तो यहां से देखिए 500 कम किया है, तो यहाँ इंटू 100 करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा? 55, 25 यानी 2%। तो देखिए एक यहां से कितना आ गया? 2% आ गया, कि 500 का कितना हो गया? तो 500 का इफेक्ट आएगा परसेंटेज में, कितना आएगा? 2% का। तो इसने 500 रुपये कम किया, यानी पहले जो 12% प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या हो गया? 2% कम हो गया। क्लियर है कि 500 कम में बेचा है, तो 25,000 रुपये कितना हो गया? 2%। तो 12% पर बेच रहा था, अब 2% कम में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा वो? 10%। तो आप इस क्वेश्चन को माइंडली आपको तो थॉट प्रोसेस से भी कर सकते थे, आपको पता है, देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, 25,000 है, तो 25,000 है और 500 का 25,000 कितना परसेंट हो गया? 2% हो गया। तो 2% कम हो जाएगा, अगर 500 रुपये कम में बेचा है तो 12% प्रॉफिट दिया था, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे 10%। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, यदि उसे एक वस्तु पर बिक्री पर 30.80 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सेम क्वेश्चन आया था, तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए 48,380 रुपये में बेचता है, यदि वो छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या है? आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए सिंपली पहले तो आपको दे रखा है कि 18% छूट देते हुए वो उसे कितने में बेचता है? 48,380 रुपये में बेचता है। क्लियर, तो ये देखिए अगर इस यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगी, मार्क प्राइस क्या आ जाएगी कि वो 48,380 रुपये में बेचता है, और एक इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है छूट देने के बाद, 18% छूट देने के बाद। तो देखिए 18% छूट देगा यानी कितने में बेचेगा वो? 72 रुपये में, सॉरी 82 रुपये में। तो 82 रुपये में बेचेगा, तभी तो ये कितने हैं? 82% की वैल्यू हो गई, तो 82% की वैल्यू है, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। अब यदि इसने बोला है कि यदि वह छूट नहीं देता, अगर ये छूट नहीं देता, इतने रुपए में बेचता, तो 18% का लाभ होता। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस निकाल लीजिए, तो मार्क प्राइस निकालेंगे यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 और 4, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 41, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 2,4,1,9,0। 41 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ से आ रहा है 4×6=24 होगा, यानी 5 बार जाएगा, ठीक है 5 बार जाएगा, तब कितना आ जाएगा? देखिए 5 और यहाँ से 5×2 205 बार जाएगा, 205 बार जाएगा, 241 से 241 में से 5 घटाएंगे यानी कितना बच जाएगा? 36, 36 बच जाएगा यानी 369 हो जाएगा, तो 4×9=36 होता है, यानी 9 बार चला जाएगा पूरा पूरा, ये इतना आ गया, 00 है तो ये हो गया। तो इसका मार्क प्राइस तो कितना आ गया? 59,000। अब इसने क्या बोला है, देखिए सेकंड बात इसने बोली है कि अगर इस पर डिस्काउंट नहीं किया जाता, यानी मार्क प्राइस पे बेचा जाता, मार्क प्राइस यानी 59,000 में बेचा जाता है, तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। क्लियर है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जो 59,000 है वो किसकी वैल्यू है? 18% प्रॉफिट के बाद की वैल्यू है, यानी 118 की वैल्यू है, और आपसे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालना है, 59 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो यहाँ से कितना आ गया इसका? 50,000। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 50,000। तो आपको 2 स्टेप में करना है, पहले आपने मार्क प्राइस निकाला और फिर मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखो कि एक फल विक्रेता है, वो 80 संतरे बेचकर 95 संतरों के मूल्य का वसूल करता है। तो देखिए सिंपली इसने क्या बोला है कि जो 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, वो 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, 95 सेलिंग 80 ग्राम। तो देखिए 80 वस्तुओं को बेचकर वो कितने रुपए का? 95 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर
इतना वो इक्वल करता है, वसूल करता है। ठीक है, तो यहां से मुझे बताइए इनका रेशियो क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ये है कॉस्ट प्राइस, यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 95 अनुपात कितना हो जाएगा 80, यानी 80 रुपये पर उसने कितने रुपए कमाया, 15 रुपए। तो 80 रुपये पर 15 रुपए कमाया, तो परसेंटेज के लिए इनटू 100 का थिंक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 या 15, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 16, तो 300/16 यह आएगा। तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो 16 × 32 होता है, तो एक बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर यहाँ से 320 होता, अगर 320 होता ना, 20 आता, तो 20 से कम कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 20 से ऑप्शन कम कौन सा आ रहा है, 18.75%। तो कितना आ जाएगा इसका, 18.75%, एक ही ऑप्शन दे रखा है 20% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू है वो 25 रुपए में बेचा, 25% लाभ अर्जित किया, शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया, तो शाम को उसने आलू की किस कीमत पर प्रति किग्रा बेचा। तो देखिए 1 किलो का इसने कितना किया, 25 रुपए, तो ये 25 रुपए उसने बेचा, तब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का। तो 25% का मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 20 है, और तो पहला जो सेलिंग प्राइस था उसका कितना था, 25। अब इसने बोला है कि 10% लाभ पर उसने बेचना स्टार्ट कर दिया, तो देखिए इसका 10% कितना हो गया, 2 रुपये, तो उसने कितने में बेचना स्टार्ट किया, 22 रुपये में। तो पहले वो 25 रुपये पर केजी बेच रहा था, अब कितना बेचेगा, 22 रुपये पर केजी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टोपियां खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया इसका, 15 रुपए में 10, तो एक का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में, 40 रुपए में 16 बेचा है उसने, तो मुझे बताइए यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए यहाँ से, देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 4 से 8 से काट दीजिए, 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, तो उसे काटेंगे यहाँ से 5 बार और 5 × 3 = 15, तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 3:5, यानी 3 रुपए की चीज को उसने 5 रुपए में बेचा है, कितने का प्रॉफिट कमाया, 2 रुपए का, ÷3 पर ÷100, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 66.66%। नेक्स्ट देखो कि कोई घरेलू उपकरण है कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, 4580 मूल्य वाले फूड प्रोसेसर पर अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, 4580 है, 20% का डिस्काउंट दिया तो 5 से 4 रुपए में किया, 35% का डिस्काउंट दिया यानी 20 रुपए पे कितने का डिस्काउंट दिया, 7 रुपए का, यानी कितने रुपए में बेचेगा वो, 13 रुपए में। 35% का फ्रैक्शन क्या होती है, 7/25, तो 25 रुपए पे, सॉरी 20 रुपए पे, 20 रुपए पे वो कितने का डिस्काउंट दिया, 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो इतने रुपये में बेचेगा, तो यही क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। सोल्व कर लीजिए यहाँ से, देखिए 20 यहाँ से क्या होगा, 20 × 2500 होगा, यहाँ से 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से गुना कर दीजिए आप, 4 से गुना करेंगे तो 832, यहाँ पे 3, 4 × 20 और 20 और 3 23, 4 × 16 और 18, फिर इसको 13 से और गुना कर दीजिए तो 13 × 26, 2 होगा 13, 39, 39 और 41, यहाँ से 4 और 13, 104, 108 हो जाएगा, वहां से चली जाएगी 10, 10 और 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23, तो कितना आ रहा है इसका, 2381.6, यानी कितना आएगा, 2382। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x परसेंट अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और इसे 4.8% की हानि होती है, तो x का मान क्या है। क्लियर, तो देखिए सिंपली इसने क्या किया है, सबसे पहले तो इसने x परसेंट बढ़ाया, इसके दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका आप ऑप्शन तरीके से कर सकते हैं, अगर एग्जाम में कर रहे हैं ऑप्शन में तो लगा सकते हैं, कैसे, पहले उसने मार्क प्राइस को बढ़ाया, कुछ भी बढ़ाया होगा एक्स परसेंट, फिर उसने मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दिया, ये 30% का डिस्काउंट दिया और ओवरऑल कितना हुआ, 4.8% की हानि हुई, ये 4.8% की क्या हुई, हानि हुई। तो यहाँ से a+b - ab/100 लगा सकते हो आप डिस्काउंट का फॉर्मूला ओवरऑल निकालने के लिए। तो देखिए a मानेंगे अपन, 30 मानते हैं, तो 30 प्लस यहाँ से डिस्काउंट दिया है, देखिए बढ़ाया है तो पहले 30 बढ़ाया और फिर यहाँ पे माइनस आएगा, अगर घटाया तो 30 बढ़ाया और 30 घटाया यानी 0 हो गया, यानी इफेक्टिव कितना आएगा, 9% आएगा, यहाँ से 9% लॉस आएगा, पहला ऑप्शन ये तो नहीं होगा। दूसरा
दूसरा ऑप्शन देखेंगे 40% है, तो पहले 40% बढ़ाया, फिर 30% कम किया, यानी 40 माइनस 30 और -1.2। तो देखिए यहां से कितना हो गया, 10 माइनस, यहां से आएगा 12, ठीक है, 4 या 12, तो यहां से 40 माइनस 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो गया 42, यानी -2%, 2% कम हुआ है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे 36%, तो पहले 36% बढ़ाया गया, तो पहले 36% बढ़ाया गया, फिर 30% कम कर दिया गया, -36 × 3 करेंगे, 35 × 3 105 होता है, तो 108 हो गया, और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ से 6 माइनस 10.8 होगा, तो 6 माइनस 10.8 करेंगे तो कितना आएगा, 4.4 पॉइंट, यहाँ से कितना आ गया, 2, नहीं देखिए यहाँ से 6 माइनस 10 पॉइंट, यहाँ से कितना हो जाएगा, 108 होगा, 36 तिया 35 तिया 105 होता है, और 108 हो जाएगा, तो 10.80 होगा, 10.80 होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 6 घटाएंगे तो 4.80 आ जाएगा, कितना आएगा, 4.80, ये आएगा 4.80, ठीक है, ये इतना परसेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यही तो हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए 4.80% क्या है, लॉस हो रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले है वो बढ़ाता है, यानी अक्स से वाई रुपए कर दिए, फिर उसने 30% का डिस्काउंट दिया, यानी 10 रुपए पे 3 का डिस्काउंट दिया, तो 7 रुपए ओवरऑल कितना हो गया, यहाँ से 10x, और यहाँ से कितना हो गया, 7y, यही हो गया। इसने बोला है कि 4.8% की हानि हुई है, तो 4.8% का मतलब कितना होगा, देखिए यहाँ से डिवाइडेड बाई 100 करेंगे फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो यहाँ से जो पॉइंट से हट गया तो 0 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 12, और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 250, यहाँ से 2 से और काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 से 125, यानी 125 की थी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 125 से कितना हो गया, 6 यहाँ से कम हो गया, तो 125 में से 6 घटाएंगे तो 119, क्लियर है, तो यहाँ से देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, 125 से 170, तो 125 से 170 रुपये बढ़ा दिए उसने, कितना बढ़ाया यहाँ से, 45 रुपये बढ़ा दिए 125 पे × 100, तो 1/125 का मतलब कितना होता है, 8, तो 8 से गुना करेंगे, 1/8 होगा, ठीक है, 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 जो 32 और 8 में 40, यानी कितना आ जाएगा, 36%, क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये टोटल 35 क्वेश्चन थे जो हमने, जितने भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी सिप में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और बिल्कुल एग्जाम मेथड से गया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करना है, क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी तरीके से क्लियर करेंगे, क्लियर है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल सके, और इसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं सीएचएसएल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।